रामदयाल मंडल भैया के स्थानीय आदमी छी जी अहिठाम कदम चौक कत रहे कदम गाछी कत रहे मंदिरे पर साबिक से पहले से अपने के कदम गाछ जैसा मंदिर से वही ठाम जाके अपने कदम गाछी रहे भयंकर रहे पहले से जब हम सब 4-5 बरस के उम्र रही तभी से जन जबकि अभी अपने के 70 बरस की उम्र भर गई वही पर गाछ रही तक बाद 45 साल में अपने के हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मिले अहिठाम से जाकर के हम जनकपुर से सरुआ भर के काठमांडू चल गए अहिठाम मंदिर की दाता सब मंदिर बना दिलखिन जना तीर्थावत मंदिर वही ठाम रह गए कदम गाछी वही पर कथी के मंदिर कदम बड़का बड़का कदम रहे आ गाछ से भयंकर रहे हम सब कदम के तोरू खेबो के लिए कते वर्ष पहिने गाछी जी हम करीब एटा में बुझल जा रही कि 40 या 40 से अगर के बल बैठे 40 वर्ष पहले गाछी नहीं हमारे कम से कम 2045 में हम गेल छी अहिठाम से सरुआ भर काठमांडू आ वही से प्राण प्रतिष्ठा अपने के 45 में भेल है आ वही से पहले अपने के 4 वर्ष पहले कदम 40 के अनुभव में 40 जाए कदम के गाछी रहते हैं एकर नाम कदम चौक पर गेले कदम चौक पर है बस बस गाछ रहे तैसे कदम चौक अपने के नाम पर है और कोनो जी 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 और मंदिर कथी के छे मंदिर हनुमान मंदिर जी के हम सब काम करले छी पहले से 40 प्राण प्रतिष्ठा 2045 साल में प्राण प्रतिष्ठा जी जी तो अहिठाम जनकपुर के कदम चौक पर कदम चौक नामकरण छे लेकिन कदम के गाछी नहीं छे 45 साल में कटा गेले मंदिर बनले तें प्रमुख जिला अधिकारी धनुषा के प्रदीप राजखनेल सीडीओ साहब आ क्लीन जनकपुर ग्रीन जनकपुर के अभियंता कर्मचारी छथि सुरेश शर्मा जी वन निर्देशनालय के प्रदेश सरकार के कर साहब छथि नेपाली सेना के सब आदमी आब कदम के गाछ रोपि रहल छथिन एहिठमन जे फेर से कदम चौक के जे पहचान छले कदम के गाछ कदम रोपल जा रहल छै कदम के गाछ छै खरिया में आब सीडीओ साहब नेपाली सेना के नेपाली सेना से सेना के कर साहब सेहो भइ रहल छथि जनकपुर में अखन वृक्षारोपण के अभियान सड़क पर फुटपाथ पर तीव्र गति से चल रहल छै लेकिन पीड़ा इएह छै जे गाछी रोपाई तो छै लेकिन ओकर परवरिश करय के लेल ओकर जे केयरिंग होबक चाही स्याहार सुसार ताहिमे कमी भऽ जाइ छै सुरेश दाई ओहि सर कदम के गाछ देखियौ कदम चौक पर पुनः कदम रोपल जा रहा है जय हो चलू सुरेश शर्मा जी ओम वनस्पति नमः सीडीओ साहब के सीडीओ साहब के देखन कर साहब से रोपल जा रहा है कदम चौक पर कदम के गाछ रोपल गेल पहले बहुत विशाल गाछ रहे जिन स्थानीय वासी कहल जी जी मंदिरे वही पर मंदिर देखल छे मंदिर जे छे से जी 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 बहुत बड़ा बड़ा कदम के गाछी कदम सफर है अपने के 4-5 बरस के उम्र हम रहे तो बहुत हम सब जी 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 कदम बहुत भयंकर रहे 45 साल में 45 45 में हम सब प्राण प्रतिष्ठा करे छी हनुमान जी तब सर माने प्राण प्रतिष्ठा कर तब आप कदी गए छी साहब ई रुपेले से निक बात भेलै बढ़िया भेलै कि नै भेलै कदम गाछ रोपे नै हटन हो आइ के संरक्षण के केना होतै स्थानीय आदमी हम सर तो आइ के दूता जाने सब के समय समय में पानी पटाओ ई आवश्यक छै आवश्यक छै सर काटल गेल है
जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वडा नंबर 4 स्थित कदम चौक धेरै पुरानो चौक हो। स्थानीय व्यक्तिहरुको भनाई अनुसार 2045 साल तिर यो कदम चौक यो हनुमान मन्दिर बनाउने क्रममा काटियो, ठुलो वृक्ष थियो। अब कदम चौक सबैले भन्ने, केटाकेटीहरूले पनि सोध्ने, कदम चौक भन्ने हो के हो यो कदम चौक भन्दाखेरि यसको अस्तित्व नाश भएको देखियो। सहायक डिभिजन बनाउँदाखेरि अब सहायक डिएफओ भनिन्छ बोलीचालीको भाषामा, सुरेश शर्माजीले हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्नुभयो, हामीले सहज स्वीकार गऱ्यौँ। उहाँले वृक्ष ल्याउनु भयो, नेपाली सेनाको कर्साब अञ्जन रूपा खेती हुनुहुन्छ, उहाँले अलिक खन्नुभयो। हाम्रो कुनै भाषण वा कुनै केही छैन, तडक भडक छैन। बिरुवा आयो, बिरुवा आउनुभन्दा अगाडि हामीले खाल्डो मापदण्ड अनुसार प्राविधिक हिसाबले खन्या थियौँ र अब यसमा घेरा लगाउने काम अहिले तत्काल हुन्छ र स्थानीय व्यक्तिलाई हामी यो जिम्मा लगाउँछौँ, बेला बेलामा हामी पनि आएर हेर्छौँ। जनकपुर धाममा कदम चोक छ भन्ने विषयलाई जीवन्तता दिनु र भविष्यका पिँढीहरूले पनि यसको स्मरण गर्न सकुन् भनेर यो काम हामीले गरेका सर धेरै राम्रो। तर जनकपुर धाममा यस्ता थुप्रै बगैँचाहरू थिए, गाछीहरू थिए, तृतीय गाछी जस्तै थुप्रै बगैँचाहरू थिए, सबै लोप भइसकेको छ। यो सुरुवात राम्रो हो, तर के ती बगैँचाहरूको पुनर्जीवन र का लागि केही प्रयास हुन्छ? गुठी संस्थानका जति पनि बगैँचाहरू थिए, कलमहरू थिए, त्यसमा हामी पनि साथ साथ रहन सक्छौँ। अब सबै चिज बिग्रियो, केही हुँदैन भने पनि सीता बाघ, राम बाघ, कुनकुन बाघ, थुप्रै बाघ थिए यहाँ जनकपुर धाममा। हाम्रा पूर्वजहरूले त्यस्तो बाघहरू बनाए जसलाई हामी उद्यान भन्छौँ। अब केही न केही त गरौँ न, यो एउटा केही गर्ने कामकै सुरुवात हो। हुन्छ होला, मैले बुझ्न खोजेको त्यो पुनर्जीवन पाउँछ होला उनीहरूले, पाउनुपर्छ, हामी त्यसमा लाग्छौँ। हस् हस् धन्यवाद सर।